जब दूध फट जाता है तो आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ फटे दूध से हम कैसे अलग अलग डिफरेंट टेस्ट वाली और बहुत ही ईजी रेसिपी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने समद किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको उसको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं और मेरी एक भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। ये है 2 लीटर फुल क्रीम फटा हुआ दूध, जिसको जैसे ही मैंने गैस पर रखा और ये फट गया, तो अब इसको हम पूरी तरह से उबल जान देते हैं। देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बड़े नींबू का रस, जिससे कि ये पूरी तरह से फट जाए और ये अलग अलग हो जाए, पानी और दूध अलग हो जाए। और इसके बाद इसकी गैस बंद कर दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको ठंडे पानी से धो दीजिए, जिससे ये होगा कि सारे नींबू की खटास निकल जाएगी, और इसको दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दीजिए और 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। तो इस तरह से ये हमारा क्रश्ड पनीर तैयार हो गया है। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी पहली रेसिपी पनीर भुर्जी के लिए। पनीर भुर्जी बनाने के लिए आपको एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लेना है और उसमें कटी हुई प्याज डाल के उसको प्याज को तल लीजिए। प्याज तलने के बाद इसमें डाल देंगे कटे टमाटर, टमाटर को अच्छी तरह और प्याज को अच्छी तरह तला लीजिए, और इसमें डाल दिया नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल दीजिए, अच्छी तरह मिला दीजिए, और इसमें 2 कटे हरे मिर्च डालें, थोड़ा पानी, आधी कटोरी पानी डाल के इसको धीमी आंच करके इसको बंद करके रख दीजिए ताकि अच्छी तरह गल जाए। टमाटर हमारे गल गए हैं, अब इसमें डाल देंगे क्रश्ड पनीर जो कि हमने बनाया है फटे दूध से, और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें डाल दीजिए कटा हुआ धनिया, और फिर धीमी आंच करके इसको 2 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि सारे मसाले इसमें अब्सॉर्ब हो जाएं, और ये हमारा पनीर भुर्जी रेडी है। अब हम बनाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो कि है पनीर पराठा। जो हमने पनीर रेडी किया है फटे दूध से उसको ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए थोड़े कटे प्याज, एडजस्ट कर लीजिए, और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सॉल्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें पनीर का पानी आप अच्छी तरह से निकाल दें, क्योंकि इसमें अगर ज़रा भी पानी रहा ना तो ये फिर पराठे बेलने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम पानी निकाल देंगे उसका। और इसमें मैंने थोड़े से डाले चिली फ्लेक्स, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा 1/4 चाट मसाला पाउडर और थोड़ी सी धनिया। बस ये हमारी फिलिंग तैयार है। तो आटे की एक लोई लेके, ये ऐसे मीडियम साइज़ की लोई लेके इसको पेड़ा बना लीजिए एक अच्छा सा, और इसके बाद इसमें बर्तन लगा के इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इसको थोड़ा सा हम बेल लेते हैं, थोड़ी इसकी बढ़ा देंगे साइज़, और अब इसमें आप इसको फिल कर लीजिए चम्मच से, ऐसे गोल हाथों में लेके इसको अच्छी तरह से फिल कर लीजिए, ज़्यादा फिलिंग अच्छी लगती है। और इसको इसको बंद करना मेन है। इसको आप बंद कैसे करेंगे? देखिए इसको ऐसे बंद करना है, इसकी फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। इसको अच्छी तरह से सील कर दीजिए, ये देखिए ये अब सील हो गया, और इसको अब हम हल्के हाथों से बेल लेंगे बर्तन लगा के। इसको थोड़ा सा दबा के बराबर कर दीजिए, फ्लैट कर लीजिए, और इसको मैं बेल लेती हूँ। अब पराठे को हम एक पैन में डाल के तल लेंगे। आप घी या तेल जो भी पसंद करें वो तल लीजिए। तो देखिए कितनी स्मार्टली आपने न्यूट्रिशियस पराठा तैयार कर लिया, और दूध भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ। तो अब हम बनाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी पनीर सैंडविच। पनीर सैंडविच बनाने के लिए वही हम फटे दूध वाला पनीर लेंगे, उसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए कुछ, और इसमें डालेंगे ओरिगानो। अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ी कटी प्याज डाल दीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा डालिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक को हम कम ही डालेंगे क्योंकि बटर भी यूज़ होगा और बटर में नमक होता है, तो इसलिए नमक को कम डालना है। ये शिमला मिर्च रखा है पर इसको हम डालेंगे नहीं अभी, इसको हम बाद में ऊपर से इसकी लेयर लगाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मिर्च के लिए हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस, और उसके एक स्लाइस को लेके उस पर बटर लगा देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे अपना पनीर
जो हमने मसालों के साथ तैयार किया है, और उसमें शिमला मिर्च की लेयर लगा देंगे, और अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है तो आप चीज़ भी लगा दीजिए और ये बंद कर दीजिए, और इसको आप सैंडविच मेकर में डाल के सेक लीजिए। अगर आप सैंडविच मेकर नहीं है आपके पास तो आप उसको तवे पे भी सेक सकते हैं। ये हमारा सैंडविच रेडी है। तो आपने देखा कि हमने कितनी स्मार्टली अपने फटे हुए दूध से इतनी टेस्टी डिशेस तैयार कर ली, तीन बढ़िया अमेजिंग टेस्ट वाली, तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग है, बहुत ही लाजवाब डिशें हैं। तो आप इनको ट्राई ज़रूर करें और आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगली बार डेफिनेटली आप दूध फटने का इंतज़ार करेंगे और इतनी टेस्टी डिशेस बनाएंगे। अगर आपको फटे दूध से बनी रेसिपीज़ का आइडिया अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जल्दी से समद किचन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।